Everyone, welcome back to the channel Free Education. Okay, those who are new to the channel, please subscribe down below. Okay, then okay, let's start. So aaj hum ek naya chapter, isko chapter nahi bol sakte, ek form of short jo hai, ek interesting si story hai jo ek insaan ke bare mein jiski photo aapko dikh rahi hai. Bahut log उनको पहचानते होंगे, बहुत लोग नहीं भी पहचानते होंगे. तो उसका नाम क्या है इस चैप्टर काइंड ऑफ थिंग का, 1.6 कोलाज. कोलाज क्या होता है? जब हम बहुत सारी चीज़ों को जोड़ के एक चीज़ बनाते हैं, चाहे वो फोटो हो, वर्ड्स हो, या फिर कोई है जैसे यहाँ पे इसमें बने हुआ है, बहुत सारे उनके थॉट्स को जोड़ के ये एक चैप्टर काइंड ऑफ थिंग बनाई गई है, उसको कोलाज बोलते हैं. तो ये किसके बारे में है? स्वामी विवेकानंद. स्वामी विवेकानंद जो है हमारे इंडिया में, इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू और इज्जत लग करते हैं लोग, और बाहर कंट्री में भी बहुत ज़्यादा इनको मानते हैं लोग. तो इनके बारे में ये है, इनकी लाइफ के बारे में, और इनके लाइफ में इन्होंने जो इम्पोर्टेंट थॉट्स जो बोले हैं, जो इम्पोर्टेंट थॉट्स जो बोले हैं, वो सारे थॉट्स यहाँ पे बताए गए हैं. ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उनके बारे में. स्वामी विवेकानंदा बॉर्न नरेंद्र दत्ता. अब स्वामी विवेकानंद जब पैदा हुए थे तो उनका नाम क्या था? नरेंद्र दत्ता. वॉज अ ग्रेट पर्सनैलिटी हु मेड द वर्ल्ड अवेयर ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ इंडियन फिलोसॉफी. वो यहाँ पे बोला गया वो बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी वाले इंसान थे, और उन्होंने वर्ल्ड में इंडियन फिलोसफी, इंडियन नॉलेज, इंडियन कल्चर को फैलाने में बहुत उनका योगदान है. किसका? स्वामी विवेकानंद का. एट द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन ही बिगेन ही स्पीच विद सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका. और जब पार्लियामेंट, जब ये अमेरिका विजिट किए थे तो वर्ल्ड रिलीजन का एक पार्लियामेंट अमेरिका में, वहाँ पर उन्होंने अपनी स्पीच कैसे स्टार्ट किए थे, क्या बोल के? सिस्टर्स, बहनों और भाइयों ऑफ अमेरिका. अमेरिकन कंट्री में थे इसलिए अमेरिका. एट दिस वर्ड ही रिसीव अ 2 मिनट स्टैंडिंग ओवेशन. ये बोलने पर ही उनको वो जहाँ पर वो ये स्पीच देना स्टार्ट किए थे वहाँ पे स्टैंडिंग ओवेशन. सबको पता है ना, कोई परफॉर्मेंस के बाद लोग खड़े होकर ताली बजाते, वैसे उनको 2 मिनट की स्टैंडिंग ओवेशन लोगों ने दिए थे. ही एम्फसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फलेसनेस एंड सर्विस टू मैनकाइंड. ही इज रिगार्डेड एज अ पेट्रियोटिक सेंट. और ही एम्फसाइज का मतलब क्या होता है? देखो साइड में मैंने लिखी, गिविंग स्पेशल इंपॉर्टेंस और वैल्यू. उन्होंने स्पेशल इंपॉर्टेंस दिए कौन सी चीज़ को? सेल्फलेसनेस, कंसर्न फॉर अदर. एक होता है सेल्फिश, जो हमेशा अपने बारे में सोचता है. सेल्फलेसनेस का मतलब क्या होता है? जो लोग दूसरों के बारे में अपने से ज़्यादा सोचते हैं. तो उन्होंने किसको इम्पोर्टेंस दिए? सेल्फलेसनेस को. और सर्विस टू मैनकाइंड, और उनका मानना था कि हमें जो इंसानों को मैनकाइंड की सर्विस करनी चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए. ही इज रिगार्डेड पेट्रियोटिक. पेट्रियोटिक का मतलब डिवोटेड फॉर वंस कंट्री. वो अपने कंट्री को लेके, वो कहाँ पैदा हुए थे? इंडिया में. तो वो अपने कंट्री को लेके बहुत ही पेट्रियोटिक थे, बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर अपने कंट्री के लिए पैशन, जज्बा था कि मेरी कंट्री इंडिया का नाम पूरे दुनिया में हो. तो समझे सबको स्वामी विवेकानंद के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, और वो क्या मैसेज देना चाहते थे. ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना, ये जो छोटे छोटे पोस्टर नोट काइंड ऑफ थिंग है, यहाँ पे उन्होंने अपने लाइफ में जो अलग अलग जगह पे बोले हुए थॉट्स है वो दिए हुए. तो एक एक करके हम एक एक थॉट्स पढ़ेंगे जो उन्होंने बोले. ओके, तो देखो सबसे पहले थॉट ये है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रिच्ड. उन्होंने क्या बोले? उठो, जागो, और जब तक मत रुको जब तक तुम्हारी मंजिल, गोल, जो तुम बनना चाहते हो, तुम जहाँ तक पहुँचना चाहते हो, वो तुम वहाँ पे पहुँच ना जाओ जब तक मत रुको. इसलिए वो बोलते हैं आज उठो, आज मेहनत करो. ये उन्होंने, ये उनका एक थॉट था. अब सेकेंड थॉट क्या था? टॉक टू योर सेल्फ एटलीस्ट वंस इन अ डे, अदरवाइज यू मे मिस अ मीटिंग विथ एन एक्सीलेंट पर्सन इन द वर्ल्ड. उनका मानना था, वो बोलते थे कि हमेशा दिन में एक बार एटलीस्ट अपने आप से बात करो, अपने आप को इम्पोर्टेंस दो, अपने आप की केयर करो, अपने आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताओ, क्योंकि अगर जो ऐसा तुमने नहीं किया तो तुम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्सीलेंट पर्सन है जो तुम खुद हो वर्ल्ड में, वो तुम उससे एक मीटिंग, वो अपने आप की मीटिंग को मिस कर जाओगे अपने आप से अगर जो तुम बात नहीं करोगे तो. समझा सबको ये सेकंड थॉट उनका. अब थर्ड देखो क्या है, टेक अप वंस आइडिया, मेक दैट वंस आइडिया ऑफ योर लाइफ, थिंक ऑफ इट्स, ड्रीम ऑफ इट, लीव ऑन दैट आइडिया, लेट द ब्रेन, मसल, नर्व, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी बी फुल ऑफ दैट आइडिया एंड जस्ट लीव एवरी अदर आइडिया अलोन. दिस इज द वे टू सक्सेस. अब वो क्या करते हैं? बोलते हैं
कि एक आइडिया लो, कोई भी आइडिया, जैसे तुम्हें बनना है डॉक्टर, तो वो आइडिया को अपने माइंड में रखो, वो आइडिया को अपनी ज़िंदगी बना लो, क्या मेरे को बनना ही है, बनना ही है, मुझे सक्सेस चाहिए, उसको अपना ड्रीम बना लो, उस ड्रीम को जियो, और अपने दिमाग में, अपने बॉडी में, पूरे नर्व में, वैसे बताना चाहते पूरे बॉडी में वो आइडिया को फैला दो कि मेरे को बनना है, बनना है, बनना है, और हर एक चीज़ को पीछे छोड़ दो जो तुम्हारे और तुम्हारे ड्रीम के जो बीच में आती है, तभी तुमको क्या मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, समझो सबको थर्ड आइडिया। ओके, अब हम फोर्थ पे जाते हैं। फिल द ब्रेन विथ हाई थॉट्स, हाईएस्ट आइडियल्स, प्लेस देम डे एंड नाइट बिफोर यू एंड आउट ऑफ दैट विल कम ग्रेट वर्क। अब वो क्या बोलते हैं, अपने दिमाग को ऊंचे ऊंचे विचारों से भरो, ऊंचे थॉट से भरो, हाई थॉट से भरो, और हाई आइडियल्स मतलब अपने आप को अपने जो अपने आइडियल्स होते, जैसे किसी को कोई कोई फेवरेट होता है वैसे, कि अपने आप को जैसे तुम्हें डॉक्टर बनना है तो कोई एकदम ग्रेट डॉक्टर को अपना आइडियल बनाओ कि मैं जो जैसा बनना है, और प्लेस देम डे एंड नाइट, जैसे उसकी फोटो वोटो अपने घर में लगा लो या फिर किधर चिपका दो और उसको देखो दिन रात, और मेहनत करो कि एक दिन तुम भी वैसे बनोगे या फिर उससे ज्यादा अच्छे बनोगे, समझा? ये सभी सबको समझा? चलो अब हम लास्ट पे पहुंच चलते हैं। वट एवर यू थिंक दैट यू विल बी, इफ यू थिंक योर सेल्फ वीक, यू विल बी वीक, इफ यू थिंक योर सेल्फ स्ट्रांग, स्ट्रांग यू विल बी। ओके, अब वो बोलते हैं जो भी तुम सोचोगे वो तुम बनोगे। अगर जो तुम सोचोगे अपने आप को तुम कमज़ोर हो तो तुम कमज़ोर ही बनोगे, अगर जो तुम अपने आप को सोचोगे तुम बहुत ताकतवर और मजबूत हो तो तुम मजबूत बनोगे। वैसे अगर जो आपने दिल में ठान लिया कि मुझसे नहीं होगा तो तुम कितनी भी कोशिश करो तुमसे नहीं होगा। अगर जो आपने ठाना कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं जीत सकता हूँ, मुझे ये चीज़ मिल सकती है, तो तुम जब तुम मेहनत करोगे थोड़े मुश्किल आता आएगी बट तुम्हें वो चीज़ ज़रूर मिलेगी, वो चीज़ ज़रूर होगी। सबको ये पूरा समझा? 1.6 का खोला स्वामी विवेकानंद के बारे में, यही तुम्हारा पूरा था। और इसी के साथ ये जो है वो ख़त्म होता है, और आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया, ये पूरा कोलाज समझ में आया। आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझिए तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, आप प्लीज़ इस वीडियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो आपके फ्रेंड्स हैं, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। आप शेयर करोगे तो आपको आपकी नॉलेज में और ज़्यादा वो होगा, इजाफा होगा। शेयर करो, like this video, and I will see you next time with new unit. Okay, so for today, bye for now. Thank you very much, everyone.